जब दत्त साहब गुजर गए ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, जैसे चला गया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे घर पे, अपने पिताजी को मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा फेल रहा हूँ सब चीजों में। इनकी शोहरत की कहानी संघर्ष के लम्हों से होकर गुजरी। एक के बाद एक 12 फिल्मों से मैं निकाली गई। इनकी कामयाबी की दास्तान नाकामियों के दर्द से होकर गुजरी। मैं ड्राइवर था, रोज सुबह चंद्रचूर अर्शद को उनके घर से उठा के सेट पे ले जाता था। इनकी हर कहानी आपके दिल को छू कर गुजरी। दुकान में मैं अपने वेफर चिवड़ा फरसान बेचता था। और अब देखिए नई कहानियां, नए सुपरस्टार्स के दिल की जुबानी। ये है मेरी कहानी सीजन 2। ये है मेरी कहानी। हेलो एंड वेलकम टू यूटीवी स्टार्स। किस्से और कहानियों का दूसरा दौर शुरू करने के लिए मैं हाजिर हूं मनीष दुबे। फिल्मों की काल्पनिक कहानियों से ज्यादा दिलचस्प और इंस्पायरिंग तो हमारे सुपरस्टार्स की अपनी कहानियां हैं, वो कहानियां जो पिछले 16 सालों से मैं उनसे सुनते आया हूं। एंड आई एम श्योर कि सितारों की ये सच्ची कहानियां आपको भी उतना ही इंस्पायर करेंगी जितना वो मुझे करती आई हैं। ला ला ला, कितने दशक हो गए हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए, चलिए अब दो चार बातें हो जाए। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। अब क्योंकि ये सीजन 2 है तो बड़ा भी होना चाहिए और बेहतर भी होना चाहिए, तो बताइए भला सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से बड़ा और बेहतर कौन हो सकता है। निजी तौर पर मैंने बच्चन से इतना सब कुछ सीखा है कि क्या क्या बताऊं। बच्चन का अग्निपथ खुद बच्चन से ही सुनिए। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े हो, बड़े हो घने, एक पत्र चाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थमेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ 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 अग्निपथ। बाबूजी हरिवंश राय बच्चन की ये कविता अमिताभ बच्चन की पूरी कहानी और उनके जीवन का निचोड़ है, क्योंकि बाबूजी उनके जीवन के वो सूत्रधार हैं जो गीता के कृष्ण की तरह उनके सारथी भी हैं और उनके सखा भी। यही वजह है कि आज 70 साल की उम्र में भी ये कविता अमिताभ बच्चन को रुकने नहीं देती, ये प्रोत्साहित करती है। कविता लिखी गई थी उस जमाने में जब भारत जो है अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, तो उस समय जो आज़ादी का युद्ध लड़ रहे थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनका धैर्य बढ़ाने के लिए ये कविता लिखी गई थी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि वो आज के ज़माने में भी वो लागू है और हम सबको एक अनुभव मिलता है उससे हमको कि हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत करें। संकट आएंगे, दुविधाएं आएंगी सामने, लेकिन उनके साथ जूझना चाहिए, वरना हार मान करके तो कोई भी आदमी बैठ सकता है। जो हार कर नहीं बैठा वही बच्चन कहलाया। अमिताभ ने बचपन में ही ये बात अपने बाबूजी से सीख ली थी। आज फिल्म इंडस्ट्री में खान और कपूर कई हैं, मगर बच्चन पूरे देश का इकलौता परिवार है। परिवार का ये नाम बाबूजी ने बनाया और अमिताभ को ये नाम देने से पहले बाबूजी ने काफी सोच विचार किया। ये उनका उपनाम था बच्चन, ऐसे नाम से और कोई जाना नहीं गया था। आमतौर पर जितने भी नाम होते हैं भारत में वो किसी जात पात के बंधन से बंधे होते हैं, तो वो जात पात में कभी उनका विश्वास था नहीं। इसलिए जब मुझे मेरी पैदाइश के बाद जब मेरा दाखिला होना था किसी स्कूल में, तो माँ ने और बाबूजी ने इस पर बैठ करके काफ़ी सलाह मशवरा किया कि
कि अब स्कूल में वो पूछ रहे हैं कि आपका सरनेम क्या है, तो क्या दिया जाए। तो बाबूजी ने कहा कि अब सरनेम यही होगा, बच्चन होगा। यानी जात पात के जो बंधन थे उससे हमेशा दूर रहते थे और मैं भी उसमें बहुत ही सुदृढ़ रहा हूँ। आज पूरा बच्चन परिवार बाबूजी की इस सेक्युलर सोच का जीता जागता उदाहरण है और इस इनकलाबी सोच में माँ तेजी बच्चन का भी बड़ा योगदान है। देश प्रेम और इनकलाब की बातें तो जैसे बच्चन ने माँ के पेट में ही सीख ली थी। मैं जब माँ के गर्भ में था, शायद आठवें या अंतिम महीने में, तो ये सन 1942 की बात है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। भारत की आज़ादी के लिए पूरा देश लड़ रहा था। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, जिसकी शुरुआत इलाहाबाद से ही हुई थी और रोज़ जुलूस निकलता था और नारेबाजी होती थी और ब्रिटिश राज के खिलाफ आंदोलन होता था। इनकलाब जिंदाबाद चीखते थे लोग और सब सड़क पर निकल पड़ते थे। इस जोश में एक दिन माँ जी भी घर छोड़ करके ऐसी अवस्था में उस जुलूस में जा करके मिल गई और उन्होंने भी अपना नारेबाजी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। अच्छा, वो जो जुलूस था वो बहुत ज़्यादा गर्मा गया, वहाँ लाठी चार्ज हो गई। लाठी चार्ज हुई तो सब ने भागे दौड़े और जो बच्चे और महिलाएं थे उनको बचाने का एक वो था। इस बीच बाबूजी को पता चला कि इस तरह से जुलूस निकला है इलाहाबाद में और वहाँ लाठी चार्ज हो गया है, बहुत से लोग घायल भी हुए। तो घर आए, उन्होंने देखा कि माताजी तो स्वयं बाहर निकल पड़ी हैं। तो सब लोग भागे भागे गए, उनको पकड़ करके बहुत डांटा कि क्या आप समझते हैं अपने आप को, इस अवस्था में आप चली गई वहाँ। तो एक और बाबूजी के सहयोगी थे, उन्होंने कहा भैया अगर बेटा होगा तो इसका नाम इनकलाब रख देना। नाम इनकलाब भले ना पड़ा हो मगर अमिताभ को तो इनकलाब लाना ही था। बाबूजी ने जो नाम बनाया, अमिताभ ने उस नाम को आसमान की बुलंदी तक उठाया। मगर अमिताभ को तो आज भी अपनी पहचान अपने बाबूजी के नाम और उनके विचारों में ही नजर आती है। उनका जो योगदान रहा है, जो काम उन्होंने किया है, जो नाम उन्होंने छोड़ा है, वो हजारों साल तक जीवित रहेगा और निरंतर जीवित रहेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। हम लोग फिल्म व्यवसाय से जुड़े हैं, साल दो साल बाद आप हमें भूल जाएंगे, लेकिन वो जो नाम है बाबूजी का और जो उनका योगदान रहा है वो निरंतर रहेगा। क्योंकि हम लोग देखिए, जब माँ बाबूजी को खो देते हैं तो कई बार ऐसे अवसर आते हैं जीवन में जहाँ लगता है कि यार अगर माँ बाबूजी होते तो उनसे जा करके पूछते कि क्या किया जाए। तो अब ऐसा हो गया है कि अभी हम लोग पूछते हैं या सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी एक कठिनाई आई है तो यदि बाबूजी ऐसी अवस्था में होते या माँ ऐसी अवस्था में होती तो उनका क्या व्यवहार होता, वो सोच करके ही हम लोग आगे बढ़ते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए माँ बाप के आशीर्वाद और उनकी गाइडेंस की कितनी सख्त जरूरत है, बच्चन से बेहतर इस बात को कौन समझा सकता है। बच्चन की बायोग्राफी लिखने वाले और उनके करीबी सुमंत मिश्रा तो इसे ही बच्चन की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह मानते हैं। अमिताभ बच्चन की जो सबसे बड़ी विशेषता है, ही इज वेल कल्चर एंड मैनर फेलो, और ये जो उनको संस्कार मिला है माँ बाप से मिला है। मैं इसीलिए अक्सर बोलता हूँ कि बहुत सुपरस्टार आएंगे लेकिन माँ बाप तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन कहाँ से लाएंगे। तो ये अमिताभ बच्चन की जो सबसे बड़ी, माने जितने वो कद के लंबे हैं उतने ही वो विनम्र भी हैं। बिना हीरो के ना ही तो फिल्में चलती हैं और ना ही जिंदगी। अमिताभ को अपना हीरो बाबूजी में नजर आया, तो हमें या आपको अपना ये हीरो, मेंटर या गुरु जो भी कह लें, अपने माँ बाप, भाई, दोस्त या फिर वर्क प्लेस में मिल सकता है। अपनी मुश्किलों का सामना तो हर हाल में हमें खुद करना है, ऐसे में अगर कोई हौसला बढ़ाने वाला मिल जाए तो सफर आसान हो सकता है। आज अमिताभ बच्चन अपने परिवार के मेंटोर हैं, ठीक अपने बाबूजी की तरह, जिनसे उन्होंने सीखा कि दौलत, शोहरत और कामयाबी की खुशी हमेशा नहीं रहती मगर परिवार की खुशी सदा के लिए होती है।
तमाम कामकाज के बीच आज भी बच्चन परिवार के लिए समय निकालते हैं और परिवार की खुशी और उनकी परवरिश में ही वो अपनी असली कामयाबी भी देखते हैं। समय निकालने से समय निकलता है और मैं ऐसा मानता हूँ कि चाहे हम कितने भी व्यस्त हों अपने निजी जीवन में, लेकिन परिवार के लिए हम समय निकाल ही लेते हैं। वो समय निकालना बहुत आवश्यक होता है, वही एक निर्णायक समय है जो हमें, उससे सीख मिलती है, उससे बहुत कुछ हमको मिलता है। स्नेह, प्यार, आदर, सत्कार, ज्ञान, ध्यान की बातें, व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या वस्त्र पहनने चाहिए, किस विषय पे हमको बात करनी चाहिए, चाहे वो किताब हो, चाहे फिल्म हो, चाहे ये सारी निजी बातें होती हैं परिवार के अंदर, उनसे बड़ी एक बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वही जा करके एक हमारी परवरिश बनती है, उसी को आधार मान करके हम आगे बढ़ते। बाबूजी ने अपने नाम से परिवार के जिस बाग को जन्म दिया, आज अमिताभ बच्चन उसी परिवार के बागपा हैं। मगर अमिताभ की कहानी का एक वो दौर भी है जब वो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन नहीं थे, बल्कि जाने माने कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन के बेटे भर थे। आज से करीब 40 साल पहले अमिताभ ने अपनी जिंदगी का पहला सबक सीखा। सबक ये कि रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के बीच बस एक कोशिश भर का फासला है। ये वो वक्त था जब नए नवेले अमिताभ को ना ही तो अपनी मंजिल नजर आ रही थी और ना ही उस मंजिल का रास्ता। कहीं भी मुझे एक दूरी नहीं दिख रही थी या दूरंदाशी नहीं हो रही थी कि आगे चल करके ये होगा या ऐसा करेंगे, लेकिन जब ये इश्तेहार पढ़ा पहली बार फिल्म फेयर माधुरी कॉन्टेस्ट का, जिसमें वो नए कलाकारों को बुला रहे थे और एक अवसर मिल रहा था उनको, तो उससे लगा कि हाँ शायद इसमें कुछ बात है। लेकिन वहाँ भी प्रिलिमिनरीज में ही मुझे धिक्कार दिया गया, तो निराशा तो हुई। पहले ही कदम पर मिली ये नाकामी अमिताभ को निराश तो कर सकती थी, मगर हरा नहीं सकती थी, क्योंकि बच्चन के साथ उनके बाबूजी थे और उन्हें पता था कि बाबूजी का अनुभव उन्हें जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। बाबूजी ने कहा कि घर का दरवाजा बंद हो, ताला लगा हो, चाबी ना हो और अंदर घुसना हो तो दीवार फाद करके अंदर चले जाना चाहिए। नए नवेले अमिताभ को उस दौर में एक नहीं दर्जनों रिजेक्शन झेलने पड़े, मगर फिर जिस शहर में रोमांस के राजा राजेश खन्ना का सिक्का चल रहा था, वहां अमिताभ एंग्री यंग मैन की आंधी लेकर आए। इसके बाद अमिताभ की कामयाबी की कहानी तो हिंदी सिनेमा का इतिहास है, मगर बच्चन जानते हैं कि कामयाबी अकेले की नहीं होती, इसीलिए वो आज तक अपनी कामयाबी उन तमाम लोगों के साथ शेयर करते हैं जो इस सफर में उनके साथ रहे। सलीम साहब, जावेद साहब, जिन्होंने जंजीर लिखी और पहली बार मेरा परिचय उनसे हुआ, और उसके बाद कई एक उन्होंने मिला, तो ये मान लीजिए कि एक दशक बीत गया इसमें। फिल्मी पर्दे और पोस्टर पर बच्चन भगवान बन गए,
ऐसे भगवान जिसके हर कारनामे पर दर्शक आंख मूंद कर भरोसा करने लगा। लेकिन बच्चन की कामयाबी दर्शक के भरोसे से ज्यादा उस भरोसे पर खड़ी हुई जो उन्होंने अपने डायरेक्टर्स के हुनर में दिखाई। बच्चन के साथ चीनी कम और पा जैसी दो बेहतरीन फिल्में बना चुके डायरेक्टर आर बाल्की तो अमिताभ की इसी क्वालिटी को उनके सुपरस्टार बनने की सबसे बड़ी वजह मानते हैं। You know, you tell a person a script like Amar Akbar Anthony, or you tell a person a script like, you know, Zanzeer. I'm not sure that they've got hit written all over it. You know, just by the start of it, ye hit ho jayega. Amar Akbar Anthony on paper will sound like the most ridiculous film. So when you find a certain kind of, when you trust people, when you start trusting people, because they know how to make films, Manmohan Desai knew how to make films, Prakash Mehra knew how to make films, Ramesh Sethi knew how to make films, Yash Chopra knew how to make films. So I think when it may sound, you know, not right when you look at it, but when they start, you know, appealing to people as much as they did, then you go along with that. Bachchan ke paas sab kuch tha, superstardom, daulat, shohrat, aur bhara pura parivar. Magar wo kehte hain na, darya mein tufaan ke aane se pehle uski hawa आ ही जाती है। बच्चन की जिंदगी में भी यह तूफान आने वाला था, ऐसे वक्त में जब वो एक विशाल वृक्ष बन चुके थे और इसकी बर्बादी का अंदाजा किसी को नहीं था। 1980 आते आते कहा जाने लगा कि अमिताभ अगर पर्दे पर खड़े होकर एबीसीडी भी बोल दें तो पिक्चर सुपर हिट है। मगर जीवन में जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तब सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि तूफान तभी आता है जब समंदर खामोश हो। 1982 में अमिताभ भी ऐसे ही एक तूफान के करीब खड़े थे। जुलाई 1982 में फिल्म कूली के सेट पर अमिताभ को ऐसी चोट लगी जो जानलेवा हो सकती थी, मगर दवा और दुआ दोनों बच्चन के साथ थी। कई एक दुर्घटनाएं भी हुई हमारे सेहत को लेकर के, और ईश्वर की कृपा रही है, जनता का स्नेह प्यार रहा, उनकी प्रार्थनाएं रही हमारे पास, और उनकी वजह से दोबारा खड़े होने का, चलने का एक अवसर मिला। साल भर के इलाज के बाद बच्चन मौत के मुंह से बाहर निकले तो राजनीति के दलदल में फंस गए। जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनाव हुआ और राजीव गांधी ने उनसे कहा, जब चुनाव लड़ने को इलाहाबाद से, तो एक दोस्ती निभाने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा। इलाहाबाद और सतना के बीच में एक बहुत प्रसिद्ध मेहर देवी का मंदिर है, तो वहाँ से कुछ औरतें चढ़ीं ट्रेन में, तो मैंने इसी तरह पूछा कि क्या माई किसको वोट दोगी, तो उन्होंने कहा सिनेमा वाले बाबू को। जिंदगी एक के बाद एक अमिताभ को नए अग्निपथ पर ढकेल रही थी। फिल्मी पर्दे का विजय राजनीति के चक्रव्यूह में फंस चुका था। उसे एहसास हो गया कि उससे जिंदगी की सबसे भयंकर भूल हो गई है। जिस तरह से उनको बोफोर्स में फंसाया गया और बोफोर्स से भी वो एकदम बेदाग होके निकले, अब तो देखिए पिछले साल ये भी क्लियर हो गया कि स्वीडन के ही पुलिस कमिश्नर ने बोला कि बच्चन का नाम उसमें शामिल करने के लिए कहा गया था, और उस समय वो थोड़ा परेशान थे लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही थी। प्रत्येक के जीवन में मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई ऐसा क्षण आता होगा जब वो निराश होगा कि किन्हीं परिस्थितियों से कुछ चीज़ सही नहीं हो रही है, सब गलत हो रहा है काम। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी यदि आप प्रयत्नशील रहें, आपके अंदर एक आत्मबल रहे, तो ये संभव है कि वो ठीक हो जाए। डरना जरूरी है, मगर डर कर रुक जाना बुजदिली। फैसले हमेशा सही हो ये भी जरूरी नहीं, मगर फैसले लेते रहना जरूरी है। बच्चन ने बॉलीवुड की पहली कॉर्पोरेट कंपनी एबीसीएल खड़ी की, मगर किस्मत एक बार फिर बच्चन का इम्तिहान लेना चाहती थी, और एबीसीएल प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर इवेंट मैनेजमेंट तक हर काम में बुरी तरह फ्लॉप हो गई। बच्चन के घर और दफ्तर तक गिरवी पड़ गए, मगर इन बुरे हालात में भी बच्चन ने वो भरोसा नहीं बेचा
जो बच्चन परिवार का सबसे अनमोल खजाना था। जब ABCL सक्सेस नहीं हुआ था तो बहुत लोगों ने उनको सलाह दी थी कि अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दीजिए, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कहा कि नहीं, ये काम मैं नहीं करूंगा, जो लोग मेरे कंपनी में शेयर लगाए उनको मैं धोखा नहीं दूंगा। दुनिया न सिर्फ बड़े बच्चन को बल्कि उनके बेटे अभिषेक को भी रिजेक्ट कर रही थी। ऐसे बुरे हालात में उन दिनों अभिषेक भी अपने करियर की शुरुआत करने की स्ट्रगल कर रहे थे। उन दिनों ABCL का भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, घर पे बुरा बहुत लगता था। कभी कभार ऐसा भी होता था कि घर आके शर्मिंदगी से कमरे में अपने आप को लॉक करके सो जाए खाना खाए बिना, क्योंकि लगता था कि भैया मैं अभी किस मुंह से अपने माता और पिता के सामने जाऊं। एक के बाद एक हर फैसला गलत साबित हो रहा था और बच्चन अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। करियर अंधेरे में था और परिवार का भविष्य खतरे में। इसी कश्मकश के बीच अमिताभ को एक और फैसला लेना था और डर इस बात का कि अगर ये फैसला भी गलत साबित हुआ तो। मैंने छत पर चढ़ के सीढ़ी को अपेक्षा से देखा, उसने कहा अच्छा उतरना। कामयाबी की जो सीढ़ी चढ़कर बच्चन आसमान तक पहुंचे थे, आज वही सीढ़ी उन्हें जमीन पर पटखने को तैयार थी। मगर बच्चन भी नए फैसलों से कहां पीछे हटने वाले थे। कभी कभी नाकामी इंसान की परीक्षा लेती है, मगर कामयाबी तो हर मोड़ पर इम्तिहान लेती है। और बच्चन भी कामयाबी की बुलंदी हासिल करने के बाद ऐसा ही इम्तिहान दे रहे हैं। ठीक इसी वक्त बच्चन को एक तिनके का सहारा मिला। हिंदी सिनेमा के शहंशाह को टीवी के छोटे पर्दे पर एक गेम शो होस्ट करने का ऑफर आया। दोस्तों और परिवार की सलाह के खिलाफ जाकर अमिताभ ने इस तिनके को थामा और एक बार फिर साबित कर दिया कि मौका कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान अपनी मेहनत और लगन से किसी भी मौके को छोटा या बड़ा बनाता है। गांव हो या शहर, बच्चन सब जगह छाए हुए हैं। 70 साल की उम्र भी उन्हें बूढ़ा नहीं कर सकी है। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। बच्चन का अग्निपथ अब कामयाबी या नाकामी से परिभाषित नहीं होता। ऐसा इसलिए भी कि बच्चन बीते कल में नहीं जीते, उनके पास चुनौतियां आज भी हैं। तो फिर फुर्सत ही कहां बीते वक्त के बारे में सोचने का। फिर से जीना पड़े तो मैं तो यही चाहूंगा कि जैसे अब तक मैंने जिया है वैसे ही फिर दोबारा मुझे जीने का अवसर मिले, क्योंकि उतार चढ़ाव तो जीवन में लगा ही रहता है। यदि मेरे जीवन में उतार आता है तो साथ साथ थोड़ा सा गिराव भी होता है, उनसे हम सीखते हैं चीज़ें। और अगर सभी कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऊपर होना चाहिए। मुश्किलों और कठिनाइयों के साथ चलते रहना ही जीवन का रोमांच है। बच्चन ने यही बातें अपनी कामयाबी और नाकामी दोनों से सीखी है। आज 70 साल की उम्र में भी अगर बच्चन सुपरस्टार हैं, तो उसके पीछे यही तजुर्बा और यही सीख है जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बच्चन के इस तजुर्बे को अपनी सीख बना ली और बदल ली अपनी जिंदगानियां। ब्रेक के बाद कुछ ऐसी ही कहानियां, कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्से। रुकिएगा और देखिएगा कौन सी सीख आई किसके हिस्से। He comes on time, he respects your time. जितनी बार बोलोगे उतने बार टेक देंगे। जो उनकी जो ये पर्टिकुलरिटी की जो ट्रेट है, that really inspires me. कि मैंने अमित जी में एक आधुनिक शरण कुमार देखा है। His humility and his command over the language. I think he's at his best when he's intuitive. When he responds actually
to a lot of creative decisions from the gut. He treats every human being like a human being. अपनी गलतियों से सीखना समझदारी कहलाती है, मगर जो दूसरों की गलतियों और अनुभवों से सीख सके वो महान इंसान बनता है। अमिताभ जिंदगी भर अपने बाबूजी के अनुभवों से सीखते रहे और आज वो खुद सैकड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। अमिताभ के साथ काम कर चुके हर इंसान के पास ऐसे लाजवाब किस्से हैं जो उन्होंने बच्चन से सीखे हैं। पंक्चुअलिटी एंड I would say decorum. His humility and his command over the language. जो वो वक्त किसी को देते हैं, उनका टाइम देते हैं, तो वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। किसी भी तरह की विपत्ति आए, आप अगर उसमें सच्चे हैं, तो आप उससे लड़कर विजय हासिल करते हैं। I think he's at his best when he's intuitive, when he responds actually. To a lot of creative decisions from the gut. उनको अपने जन्मदिन पे 2000 SMS मिलेंगे, तो वो 2000 लोगों को थैंक यू बोलेंगे। Lot of times क्या होता है कि एक्टर्स को एक बड़ी होटल में रखते हैं और उनके स्टाफ को उसके साइड में छोटी होटल में रखते हैं। तो एक अजनबी में भी ऐसा हुआ था, लेकिन the next day we learned कि उन्होंने उनके पूरे स्टाफ को उनकी होटल में डाल दिया था और बोला था कि I can understand that the producers can't afford this, but I will pay for the extra. When Mr. Bachchan speaks in English. You get the feeling that you are listening to a great, well-rehearsed lecturer at Harvard or some kind of university. And when he speaks in Hindi, आपको ऐसा लगता है कि आप सबसे बड़े कवि सम्मेलन में खड़े हैं। I think बच्चन साहब का जो command है, जो throw है उनकी voice में, कोई भी acting institute, I don't think, is complete without. Every aspiring actor trying to talk like Mr. Amitabh Bachchan. मेरे ख्याल से 24 घंटे में वो 18 घंटे काम कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज के उनके बाद के बहुत सारे हीरो इस तरह से काम कर पाएंगे। He comes on time, he respects your time. जितनी बार बोलोगे उतने बार टेक देंगे। जो उनकी जो ये पर्टिकुलरिटी की जो ट्रेट है, that really inspires me. कि मैंने अमित जी में एक आधुनिक शरण कुमार देखा है। मैंने देखा है कि उन्होंने अपने माता पिता का कैसे सेवा किया है, ये चीज उनसे सीखने को मिलती है। He treats every human being like a human being. 70 साल की उम्र में भी अमिताभ की एनर्जी और उत्साह 17 साल के किसी बच्चे जैसा है। आज भी वो सेट पर जाते हैं, कड़ी धूप में खड़े होकर डायलॉग्स बोलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। 70 years and 100% commitment. मेरा ऐसा लगता है कि अगर किसी काम के लिए मुझे अनुमंदित किया गया है और मैंने अपना एक कमिटमेंट दे दिया, उनको वचन दे दिया है, तो उसको पूरा करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। काम तहे दिल से करना चाहिए और यही मेरा मानना है कि एक बार अपनी जबान दे दी या एक अनुबंध के तौर पर हमने अपना वचन दे दिया तो फिर उसको निभाना चाहिए। कोई भी इंसान चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, वो अपने क्षेत्र का सुपरस्टार बन सकता है, ठीक बच्चन की तरह। मगर उसके लिए सीखते रहना और संघर्ष करते रहना जरूरी है। अमिताभ ने कभी अपने संघर्ष को खत्म नहीं होने दिया, इसलिए अमिताभ कंटेम्प्ररी है। वक्त के बदलने से पहले अमिताभ ने खुद को बदल लिया। ट्विटर, फेसबुक और ब्लॉग पर आज उनके जितने फैंस हैं, उतने तो किसी नए सुपरस्टार के भी नहीं। काम करने की योग्यता, उसे हासिल करना, ये मेरा कर्तव्य बनता है। आज भी मैं सीखता हूँ, मैं और भी सीखना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि बहुत सी कमियाँ हैं जिनको और प्राप्त करना है मुझे। बस ऐसे ही जीवन बीत जाए, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। बच्चन का कमिटमेंट जीवन के उस अग्निपथ से है जो उन्हें हमेशा चलते रहने की प्रेरणा देता है। वो अपनी काबिलियत में यकीन रखते हैं और खुद को सबसे ज्यादा पहचानते हैं। आज यही सीख बच्चन नई पीढ़ी को भी देना चाहते हैं। इंसान जो है वो अपने आप को सबसे अच्छी तरह पहचानता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बात होनी चाहिए व्यक्तिगत रूप से कि हाँ, मैं कलाकार बन सकता हूँ, या मैं कैमरामैन बन सकता हूँ, या मैं एक सिपाही बन सकता हूँ, या कुछ भी। वो एक क्षमता होनी चाहिए
और उसके बाद फिर आपका भाग्य और आपका लगन कि आप तो कहाँ तक ले जाता है। तो ये मैं सलाह केवल दे सकता हूँ उनको कि जितने भी लोग आए इस बात को तय कर लें कि ये यहाँ बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं और ये आसान काम नहीं है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जीवन को कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष मान लिया, संघर्ष के सफर को ही अपना लक्ष्य बना लिया और अग्निपथ के इस सफर पर जो भी नाकामी या कामयाबी मिली उससे आगे बढ़ गए बिना रुके बिना थके। तू न थमेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यही शपथ 70 साल के अमिताभ बच्चन को रियल सुपरस्टार बनाती है। बच्चन के इस अग्निपथ पर नाकामी और कामयाबी दोनों साथ साथ चलती हैं, मगर वो ना ही तो नाकामी से हारते हैं और ना ही कामयाबी को सिर चढ़ाते हैं, वो तो बस चलते जाते हैं। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्वेत रक्त से लथपथ 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 अग्निपथ अग्निपथ। शरीर में अगर सांस है और दम है चलने का फिरने का काम करने का तो काम करते रहें, ये उम्मीद करते हैं, और दर्शकों का स्नेह और प्यार मिलता रहे तो काम करते जाएंगे। वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। संघर्ष आज भी जारी है, बच्चन की यही कहानी है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। 100% लगन और मेहनत जिस काम में भी आप लगाएंगे आप उसके बच्चन कहलाएंगे। सच कहें तो बच्चन एक जीता जागता करिश्मा है और वो खुद अपनी मेहनत की गुलामी करते हैं। फिल्मों की शूटिंग, विज्ञापनों की शूटिंग, फिल्म प्रमोशंस या फिर प्रीमियर, बच्चन सर्वव्यापी हैं और जो सर्वव्यापी हो उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। बच्चन की कहानी तो सदियों के लिए है, खत्म तो बस एपिसोड होते हैं। ये है मेरी कहानी।